उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास से हजरतगंज कोतवाली में घंटों पूछताछ की गई। डॉलीगंज में अवैध निर्माण के मामले में हजरतगंज कोतवाली में बीते साल दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में दोनों ने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे भी ले रखा था। मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर डीसी श्रीवास्तव ने मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास अंसारी से अवैध निर्माण के बारे में करीब 50 सवाल किए। कई सवालों में बताया जा रहा है कि दोनों भाई घिरते नजर आए। नोटिस भेजी गई थी, उसी में बयान देने के लिए आए। किस मामले में मुकदमे हैं? एक ही मुकदमा है जो है प्रॉपर्टी का, जो है जो मकान उनका ढाया गया था उसी पर दर्ज, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसी मुकदमे पूछताछ के लिए उनको पुलिस ने बुलाया था, उसी पे आए। किसको बुलाया था? किसको बुलाया था? कौन किसको बुलाया जाए? अब बयान दर्ज कराना, ये तो कानून का काम है, कोर्ट अपना पुलिस अंदर बयान दर्ज करेगी। हमारा पक्ष ये है कि जो पुलिस ने बुलाया है बयान के लिए और हम बयान पे आए हैं, हमें संविधान पे पूरा विश्वास है, वो जो पूछ रहे हैं हम उसका जवाब दे रहे हैं। किसको किसको बुलाया है? किसको किसको बुलाया यहाँ? किस किस को बुलाया गया है? अब्बास अंसारी को और उमर अंसारी को भी। उमर अंसारी